नदर इंडिया में हिमालय के फुटहिल्स के करीब एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग सिटीज में से एक मौजूद है। ये शहर एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है और इसे इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था क्योंकि ये दो स्टेट्स की कैपिटल है। ये नए शहर को 1950s में लेजेंडरी मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट ली कॉर्बूज़र द्वारा डिजाइन किया गया था। इस शहर को 20th सेंचुरी के सिटी बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर और आइडियाज का इंडियन कल्चर और क्लाइमेट के साथ संबंध है। इसे मैरिज ऑफ इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर भी कह सकते हैं। ये और भी स्ट्रेंज तब हो जाता है जबकि ले कॉर्बूज़र को लोग इस सिटी का आर्किटेक्ट मानते हैं। उनके आइडियाज इस बारे में शहर के अर्लियर आइडियाज का रिविजन था, जिसे ट्रेडिशनल गार्डन सिटी प्रिंसिपल्स पर डिजाइन किया गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मिलाकर एक सिटी बनाई गई, जिसका गोल था कि पार्टीशन के बाद एक रीजन के कैपिटल का काम कर सके। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की। इस वीडियो में हम इस सिटी के एग्जिस्टेंस में आने से लेकर ये भी देखेंगे कि कैसे ये शहर आर्किटेक्चरल और ट्रेडिशनल आइडियाज को एक साथ संजोए रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इस शहर की कहानी 1947 में शुरू होती है। जी हाँ, वही साल जिस दिन भारत और पाकिस्तान आजाद हुए और सेपरेट हुए थे। पार्टीशन ने इंडिया के पंजाब प्रोविंस को दो भागों में बांट दिया। ईस्टर्न पंजाब इंडिया में रह गया और वेस्टर्न अब पाकिस्तान में था। इस प्रोविंस की कैपिटल लाहौर अब पाकिस्तान में जा चुकी थी। इसके कारण इंडिया के नए पंजाब को एक कैपिटल सिटी की जरूरत पड़ रही थी। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी कि वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया का शहर कैसा नजर आएगा। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इसी कारण किसी एग्जिस्टिंग सिटी को कैपिटल नहीं बनाया, बल्कि एक नया शहर पूरी तरह बनाया गया था। लेकिन एक सवाल अब भी था कि इस नए शहर को बिल्ड कौन करेगा, क्योंकि उस वक्त नए नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन में बहुत कम इंडियंस इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के हाथों में चला गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स के आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे। उन्होंने भारत में वर्ल्ड वॉर टू के वक्त रहकर US आर्मी के साथ इंजीनियर के रूप में सर्व किया था, तो उन्हें हमारे देश का एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सामने न्यू प्लान सिटीज का आइडिया भी पिच किया था। तो जब फॉर्मर PM को नए शहर बनाने का आइडिया आया तो उन्होंने मेयर को कॉल किया। अल्बर्ट मेयर की सिटी प्लानिंग स्टाइल US में उनके दोस्तों के गार्डनर सबर्ब्स डिजाइनर क्लेरेंस स्टेन और हेनरी राइट की स्टाइल से मेल खाती थी। उन्होंने नेबरहुड डिजाइन का फेमस एग्जाम्पल यानी रेडबर्न न्यू जर्सी को डिजाइन किया है। इस डिजाइन में लीनियर पार्क्स होते हैं जिनमें क्रिस क्रॉस तरह से पाथ्स बनाए जाते हैं। इस तरह की प्लानिंग के रूट्स गार्डन सिटी ट्रेडिशंस में दिखते हैं, जो 19th सेंचुरी में यूरोपियन आर्किटेक्ट और ऑथर एबेनेज़र होवर्ड के प्लान्स और आइडियाज से इंस्पायर्ड है। तो जब मेयर अपने एक और आर्किटेक्ट फ्रेंड मैथ्यू नोविकी के साथ प्लान करने बैठे तो उन्होंने गार्डन सिटीज एक एग्जाम्पल को देखा और इसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए एक प्लान प्रपोजल के साथ सामने आए। ये शहर दो नदियों के बीच बसा हुआ है। स्ट्रीट्स कर्वलिनियर मैनर में फैन आउट होती नजर आती हैं, जो सिटी को सुपर ब्लॉक्स में डिवाइड करती हैं। सुपर ब्लॉक्स मिनी गार्डन सिटी में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक्स फास्ट मूविंग ट्रैफिक को एज पर पुश करते हैं और मिडिल में एक पार्क लाइन सेटिंग बनाते हैं, जिसमें ऑफन पेडेस्ट्रियंस के लिए भी रास्ते होते हैं। बेसिकली ये रेडबर्न की तरह है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। मेयर और नोविकी ने एक टच देते हुए ग्रीन स्पेसेस को इन सुपर ब्लॉक्स के बीच में लॉन्ग लिनियर पार्क्स की तरह बनाया है। ये डिजाइन दरअसल एक ट्रेजिक एंड में तब आया जब नोविकी की एक प्लान क्रैश में डेथ हो गई। इसके कुछ ही वक्त बाद इंडियन गवर्नमेंट और मेयर ने भी अपने अपने रास्ते बदल लिए। PM नेहरू ने लोकल पंजाबी अथॉरिटीज को एक रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए कहा, जिन्हें यूरोपियन स्टाइल मॉडर्निज्म बहुत पसंद था। इस डिस्क्रिप्शन को ले कॉर्बूज़र से बेटर कोई एग्जाम्पलीफाई नहीं कर सकता था। ली कॉर्बूज़र ने मेयर और नोविकी के प्लान को रिवाइज किया। हालांकि पहले उसी एग्जैक्ट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ली कॉर्बूज़र को हायर किया गया था, पर पंजाब गवर्नमेंट को पुराना प्लान मॉन्यूमेंटल नजर नहीं आ रहा था। इस नए आर्किटेक्ट ने पुराने प्लान में से कुछ मेजर आइडियाज को अपने प्लान में भी रखा, जैसे उन्होंने सुपर ब्लॉक को नहीं हटाया। हालांकि कॉर्बूज़र के सुपर ब्लॉक्स पुराने प्लान की तुलना में 3 गुना तक बड़े थे। उन्होंने इन ब्लॉक्स को सेक्टर का नाम दिया, जिससे एक मॉडर्न साइंस फिक्शन फील आती थी। इस नए आर्किटेक्ट ने ग्रीन स्पेसेस को भी रहने दिया। कैपिटल की बिल्डिंग्स की जनरल लोकेशंस भी सेम ही थी। फिर इस नए प्लान में क्या नया था? क्लाइंट यानी पंजाब और इंडियन गवर्नमेंट की विश के हिसाब से ली कॉर्बूज़र ने एक ग्रैंड कॉम्प्लेक्स बनवाया। अब वहाँ एक ग्रैंड वेन्यू है,
स्ट्रीट्स पुराने प्लान की तरह कर्वलीनियर नहीं बल्कि स्ट्रेट और ऑर्डरली फैशन में है। ली कॉर्बुज़िए ने एक फेमस आर्टिकल लिखा था, द पैक्ड डंकीज वे एंड मैंस वे। इसमें उन्होंने ट्रेडिशनल यूरोपियन सिटीज के ऑर्गेनिक फॉर्म को डिनाउंस करते हुए कहा था, आज की सिटी एक मरती हुई वस्तु है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल नहीं है। एक ओपन शहर के लिए हमें प्रेजेंट हैपहज़ार्डली अरेंजमेंट्स को रिप्लेस करना होगा। इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ को एक नाइसली ऑर्डरली ग्रिड के रूप में बनाया। इसलिए जो बना वो दो बड़े ही अलग स्टाइल्स का मैशअप है, और क्योंकि कॉर्बुज़िए ने एंड तक काम किया था इसलिए शहर में मॉडर्निज्म ग्रैंड सिटी प्लानिंग से ज़्यादा नज़र आती है। ऑल्दो ये कॉर्बुज़िए के आइडियल विजन की तरह भी नहीं बना, और इस स्केल पर जज करने पर ये गार्डन सिटी की तरह ज़्यादा है। कॉर्बुज़िए के उस वक्त के कई क्रिटिक्स भी थे। इस गार्डन सिटी मॉडर्निस्ट हाइब्रिड के एक क्रिटिक के मुताबिक कॉर्बुज़िए ने अर्बेनिटी के विजन को इम्पोज किया था, जबकि उन्होंने ये नहीं कंसिडर किया कि यहाँ पर रहने वाले इंडियन रेजिडेंट्स के नीड्स और वॉन्ट्स क्या क्या होंगे। कॉर्बुज़िए ने इंडिया में केवल कुछ ही वक्त बिताया और प्लान बनाया। इसकी तुलना यदि मेयर से करें तो उन्होंने कानपुर, मुंबई और दिल्ली के मास्टर प्लान्स चंडीगढ़ से पहले बनाए थे। मेयर जानते थे कि इंडियन वे ऑफ लिविंग को इन सिटीज़ में कैसे अकोमोडेट करना है। उन्होंने नेबरहुड को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया था जिससे रेसिडेंट्स के लिए लिविंग स्पेस कंफर्टेबल होता। ऑन द अदर हैंड, कॉर्बुज़िए का प्राइमरी फोकस कैपिटल कॉम्प्लेक्स था, जो पंजाबी ऑफिशियल्स की रिक्वेस्ट पर ऐड किया गया था। दोस्तों, डिफरेंस ये हुआ कि मेयर का प्लान लोगों के लिए था, जबकि कॉर्बुज़िए का प्लान आर्किटेक्चर सिंबलिज्म पर फोकस था। इसलिए चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी नहीं बल्कि एक डिजाइंड सिटी है। पर क्या इससे यह हुआ कि चंडीगढ़ एक बुरा शहर है? डेफिनेटली नॉट। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चंडीगढ़ इंडिया में वेल्दियस्ट सिटीज में से एक है, और ये गार्डन सिटी स्टाइल के शहर के तुलना में कम डेंस है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कई इंडियन सिटीज की तुलना में कम है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के हिसाब से 9,200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये मुंबई और दिल्ली से बहुत कम है। मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 21,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है और दिल्ली की करीब 11,000। इससे ये हुआ कि पर कैपिटा नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए, क्योंकि इलाका फैला फैला था तो गाड़ियाँ भी बहुत हो गईं। ये एक अच्छी बात नहीं है, पर नोट करने लायक है। इन सेक्टर्स के बीच प्लेंटी ग्रीन स्पेसेस हैं। अब चंडीगढ़ अपने ओरिजिनल प्लान से काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, पर पुराना डिज़ाइन शहर अब भी मौजूद है। ये शहर दो राज्यों की कैपिटल है। दोस्तों, सबसे पहले ये इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब की कैपिटल तो थी ही, इसी के लिए इसे डेवलप किया गया था। पर 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, इसके कारण चंडीगढ़ के साथ भी बंटवारा हुआ। दरअसल चंडीगढ़ दोनों स्टेट के बीच में लोकेटेड है, लेकिन ये एक फेडरल यूनियन टेरिटरी है। अब कॉर्बुज़िए भी नहीं जानते थे कि वो किसी बिल्डिंग कैपिटल एवेन्यू या शहर को ड्यूअल यूज़ के लिए बना रहे हैं, लेकिन यहाँ दो स्ट्रीट की असेंबलीज हैं, ओवरक्राउडिंग होती है, और चंडीगढ़ इन सभी इश्यूज़ को बड़े आसानी से संभालता है। आज का चंडीगढ़ अब तक कभी भी कंस्ट्रक्टेड मॉडर्निस्ट सिटी प्लानिंग का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। इस शहर ने ऑस्कर नियमर द्वारा डेवलप किए गए शहर ब्राज़ीलिया के लिए इंस्पिरेशन का काम किया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में कॉर्बुज़िए को ग्रेट मानने वाले हर साल विजिट करते हैं। दोस्तों, इस शहर का मॉडर्निस्ट फेम इतना है कि ये ईस्ट और वेस्ट आर्किटेक्चर, कल्चर और स्टाइल्स की मैरिज को धुंधला कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया की प्लान्ड कैपिटल सिटी चंडीगढ़ की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।